हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम सतर्कता अकुलनीयता के फिर से एक बार वीडियो नंबर पाँच लेकर आए हैं सतर्कता अकुलनीयता पर। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के कुछ आगे की क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित फलों की सतर्कता पर विचार करना है। जो 21 का एक ए नंबर क्वेश्चन है आपका, वो दिया है कि fx बराबर sin x प्लस cos x, इसको दिखाना है सतत है कि असतत है। चलिए हम फार्मूला पर इसको देखिए। इस तरह से इसको देखा जाए, साइन एक्स भी एक फलन है, कॉस एक्स भी एक फलन है, और दो फलन यहाँ पर साइन एक्स सतत फलन है, कॉस एक्स भी सतत फलन है, लेकिन दोनों सतत फलन को जोड़ेंगे तो भी एक सतत फलन प्राप्त होता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, पर इसको तो ऐसे जानते हैं, लेकिन हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे सतत है या चाहे कैसे ये असतत है। चलिए इसमें फार्मूला के तौर पर हम इसके सेट करेंगे। जब साइन ए प्लस बी का फार्मूला पर सेट करेंगे तो इसमें साइन ए है, लेकिन यहाँ पर कास भी आएगा, तो कास बी का मान अगर हम 1√2 रखते हैं 45 वाला, तो यहाँ पर फिर कास ए साइन बी, फिर साइन बी का मान रखेंगे तो 1√2 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम साइन और कास का वही मान रखेंगे जो दोनों सेम होता है। इसका मतलब कि 1√2 होता है, 1√2। तो यहाँ से देखिए, हम मान लेंगे कि एफ एक्स बराबर, यहाँ से रूट टू से आप गुणा भी करिएगा, भाग भी करिएगा, तो रूट यहाँ से ये आपका साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स गुणे 1√2 से हम गुणा भाग भी कर दिए, और प्लस यहाँ से आपका कास एक्स, और फिर हम यहाँ पर 1√2 से गुणा कर दिए। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर फिर ये 1√2 अगर हम बाहर काम में लेते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपका एफ एक्स बराबर √2। अब देखिए, अगर ये साइन ए है तो ये कास भी हो जाएगा, प्लस कास ए है तो ये साइन भी हो जाएगा, मान रखे इसका। तो यहाँ पर साइन एक्स, इसको साइन ए, कास बी रखे तो कास बी माने कास किसका मान है, तो कास पाई बाई फोर का मान रख दे हम, कास पाई बाई फोर का माने 45 का मान 1√2, प्लस यहाँ से आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और 1√sin भी होता है ना, क्योंकि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन आपका वो हो जाएगा कितना, पाई बाई फोर। अब यहाँ से आपका एफ एक्स बराबर √2, और ये आपका हो जाएगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और जब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह पर आपका एक्स है, बी के जगह पर आपका पाई बाई फोर है, तो यहाँ से आपको एक फलन मिल गया। अब इस फलन को दिखा देंगे सतत है कि असतत है। चलिए जब फलन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से जब लिमिट का मान निकालेंगे तो लिमिट मान लेते हैं जो किसी बिंदु x बराबर a पर दिखाते हैं। जब x बराबर a पर दिखा रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू a बराबर, पहले एफ एक्स लिख लीजिए, और उसके बराबर लिमिट x टेंस टू a, और एफ एक्स का जगह पर पूरा मान रखो लिमिट √2, और ये आपका हो जाएगा साइन ये x प्लस पाई बाई फोर। अब यहाँ से आप x के जगह पर a रख दीजिए तो √2, और ये आपका हो जाएगा साइन, यहाँ से a x के जगह पर कितना रख देंगे, a प्लस आपका पाई बाई फोर, ये आ गया। अब यहाँ से आपका लिमिट का मान तो निकल गया इतना, अब यहाँ से एक फलन का मान निकालते हैं। तो फलन जब हम एफ ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से एफ एक्स दिया है ना, तो एफ ए मान x के जगह पर जब ये रखेंगे तो हम √2, और ये बाहर आपका आया है साइन, और यहाँ से x के जगह पर जब ये रखेंगे तो a प्लस पाई बाई फोर, और ये आपका फलन का मान है और ये आपका लिमिट का मान है, दोनों मान सेम आ गया। इसका मतलब कि आपका फलन एफ ए बराबर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, अतः एक्स बराबर ए पर फलन सतत है। फलन क्या है, सतत है, जहां ए एक स्वेच्छ बिंदु है, ए एक स्वेच्छ मैंने हम अपने इच्छा से लिए थे स्वेच्छ बिंदु है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 21 का ए नंबर था, इसका बी नंबर हम देख रहे हैं कैसा कह रहा है। जो इसका बी नंबर देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर इसका बी है वो है साइन, और क्वेश्चन तो सेम था, यहाँ पर उस ए वाले में केवल प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। चलिए हम सेम करते हैं इसको। अब अगर एफ एक्स बराबर, यहाँ से हम √2 से गुणा भी कर दें, √2 से भाग भी करेंगे, तो यहाँ पर आपका पहले साइन है ना, तो साइन एक्स इंटू 1√2 आप माइनस है ना, तो माइनस यहाँ से कॉस एक्स गुणे 1√2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर √2, और ये हो जाएगा आपका
साइन एक्स और 1/√2 को हम कॉस बी कहे तो कॉस आ पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर कॉस एक्स हैं आ इनटू यहाँ से आपका 1/√2, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो यहाँ से साइन बी का मतलब कि साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको हम फार्मूले पर जब रख रहे हैं तो यहाँ से आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ए के जगह पर एक्स हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो ए माइनस बी के फॉर्मूला पर होगा, ए माइनस बी के जगह पर क्या है पाई बाई 4 है। अब यहाँ से एक फलन आपको मिल गया, अब यहाँ पर आप लिमिट का मान निकालिए, फलन का मान निकालिए। जब लिमिट का मान निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, चूंकि ए पर दिखा रहे हैं, जब एक्स बराबर ए पर दिखा रहे हैं तो आपका फलन एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से जब इसका मान रखेंगे, एफ एक्स का मान रखिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए और फलन एफ एक्स का मान रूट में 2, और ये क्या है साइन, और ये एक्स माइनस पाई बाई 4 है। अब यहाँ से ए के जगह पर जब हम एक्स के जगह पर ए का मान रखेंगे तो रूट में 2, और ये हो जाएगा आपका साइन, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा एन, तो ए माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये आपका लिमिट का मान हुआ। और जब हम फलन का मान निकालेंगे एफ ए का मान, तो यहाँ से जब एफ एक्स का मान दिया है आपका एफ एक्स बराबर रूट में 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 जो दिया है, वहाँ पर एक्स के जगह पर ए रखा जाए तो रूट में 2, और ये हो जाएगा साइन कितना एक्स के जगह पर जब ए रखेंगे तो ए माइनस पाई बाई 4। अब देखिए ये लिमिट का मान भी और ये फलन का मान भी दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, अतः फलन क्या है, फलन आपका सतत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसका जो सी नंबर है, सी नंबर 21 का जो सी नंबर क्वेश्चन है वो एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको फॉर्मूले पर किस बनाएंगे, तो इसको देखिए 2 साइन ए कॉस ए पर बना दिया जाए तो साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब फार्मूला हो जाएगा साइन 2a का, तो इसका मान कैसे बदलेगा, तो यहाँ से 1/2 से गुणा कर दिए, दो से मैंने 2 से गुणा भी कर, 2 से भाग भी कर दिए, कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स बराबर 1/2, ये किसका फार्मूला है साइन 2a का, तो मैंने साइन 2x का फार्मूला है। जब यहाँ से हम x बराबर a पर दिखाएंगे इसको, x बराबर जब a पर दिखाएंगे तो पहले लिमिट का मान निकालिए, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ से फलन आपका हो जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू a और यहाँ पर 1/2 गुणे यहाँ से साइन 2x, x के जगह पर a रखा जाए, चाहे भी एक बार मान रखिए उसको साइन 2x ही रखिए। अब उसके बाद से जब लिमिट का मान रखेंगे तो 1/2 साइन 2x के जगह पर ये हो जाएगा, ये आपका आ गया फलन, जो लिमिट का मान आ गया वो आपका इतना आ गया। अब हम फलन का मान निकालते हैं, तो फलन का मान जब एफ ए निकालेंगे तो देखिए यहाँ से जब एफ ए मान रखिए यहाँ पर, तो 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और साइन और यहाँ से 2 एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा a, तो यहाँ से आपका एफ ए बराबर 1/2 साइन 2a हो गया। और देखिए ये वाला मान और ये मान दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, अतः फलन यह भी एक्स बराबर ए पर क्या है सतत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहे हैं जो कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट और कॉट कॉटेजेंट के फलनों पर सतत्ता का विचार करना है। जब सतत्ता का आपका विचार करना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि पहले कोसाइन दिया है ना, पहले क्या दिया है आपका कोसाइन दिया है, कोसाइन ये कॉस का फुल नेम है, कॉस का फुल नेम होता है कोसाइन, तो यहाँ से पहले आप मान लीजिए एफ एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स मान लीजिए, कॉस मान का मान लीजिए कॉस एक्स, क्योंकि वो कॉसे का ना फॉर्मूला है, कॉसे का ना है वो, कॉसे का ना पूरा नाम है कोसाइन, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ से मान रहे हैं एक्स बराबर सी, और जो सी बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू कोई भी एक इंटीजर मान लीजिए, कोई भी एक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ से दिखाइए पहले लिमिट का मान, तो लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू, अच्छा किस पर दिखा रहे हैं सी पर ना, तो सी ये कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ से तो लिमिट मान रख दिया जाए, मान रखो तो कॉस एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा कॉस सी हो जाएगा, और जब फलन का मान निकालेंगे तो एफ सी हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस
एक्स का जगह कितना हो जाएगा सी। तो देखिए यहाँ से लिमिट का मान का फलन का मान दोनों आपस में क्या आ गया बराबर, इसका मतलब कि फलन एक्स बराबर सी पर क्या है सतत है, सतत है जहां एक्स बराबर सी और सी बिलोंग्स टू कोई पूर्णांक है इंटीजर है ठीक है। चलिए अब कास तो कोसाइन हो गया ना, अब कोसेकेंट को देखते हैं, कोसेकेंट को देखते हैं जो कोसेकेंट है आपका, कोसेकेंट को जब देखेंगे हम कोसेकेंट, तो ये कोसेकेंट कोसेक का ना है फॉर्मूला, ये कोसेक का फॉर्मूला नहीं है, कोसेक का फुल नेम है। तो मान लेंगे एफ एक्स बराबर, मान लेंगे एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स मान लेंगे तो यहां से एफ एक्स बराबर कोसेक को क्या लिख सकते हैं वन बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वन बाई साइन एक्स। अब हम किस बिंदु पर दिखाएंगे तो हम एक्स बराबर, एक्स बराबर मान लीजिए कि कोई भी हम मान रहे हैं ए, एक्स बराबर क्या मान रहे हैं ए, और ए के जगह पर क्या क्या नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ए के जगह पर जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो के मान जीरो हो जाएगा और नीचे वन बाई जीरो तो अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन अपरिभाषित होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि आपका एक्स बराबर ए और ए बिलोंग्स टू, ए नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, एन नॉट बिलोंग्स टू एन पाई माने एन पाई का मान नहीं होना चाहिए, जहां पर एन आपका क्या है एन आपका पूर्णांक है, एन क्या है पूर्णांक। जैसे देखिए यहां से एन के जगह पर एक रखे चाहे दो रखे चाहे तीन रखे, पाई के रूप में कोई भी मान यहां पर आ जाएगा, और जब पाई के रूप में मान आएगा तो जैसे साइन 180 का मान भी जीरो होता है, साइन 2 पाई माने 360 का मान भी जीरो होता है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए अब मान एक्स बराबर ए पर दिखाते हैं, तो यहाँ से आपका लिमिट जब दिखाएंगे तो लिमिट एक्स एक्स टेंस टू ए, अब फलन आपका कितना दिया है वन बटा में साइन एक्स, तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे ए के जगह पर कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, एक्स के जगह पर साइन ए हो गया, ये आपका लिमिट का मान निकल गया। और फलन का मान निकालते हैं तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा आपका एक बटा में साइन ए। और देखिए यहाँ से दोनों का मान आपस में क्या आया बराबर आया, अतः तो एक्स बराबर ए पर क्या है सतत है, लेकिन ए का मान आपका ये नहीं होना चाहिए कितना एन पाई, ए का मान एन पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन पाई हो जाएगा तो मान जीरो हो जाएगा, एन पाई वाला छोड़कर के बाकी सारे बिंदु पर ये आपका सतत फलन है। चलिए ये तो कोसेक वाला था ना, आगे इसमें और दो हैं, आगे है सेकेंट और कोटेंजेंट हैं, तो सेक वाला वन बाई कास कर देना, वन बाई कास कर देना, और काट वाले को बिल्कुल केवल काट ही पर कर देना, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है ये दिया है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ के सभी सत्ता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, 23 नंबर है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा में एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो, आई एक्स प्लस वन यदि एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन कितना है जीरो है। तो यहाँ से देखिए हम एक्स बराबर ये जीरो दिया है ना, तो एक्स बराबर जीरो पर दिखाएंगे, एक्स बराबर जीरो पर पहले क्या निकालते हैं एलएचएल निकालते हैं, जब दो फलन दिया हो तो एलएचएल आरएचएल निकालते हैं और फलन का मान निकालते हैं, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तब फलन सतत हो जाएगा, बराबर नहीं होता फलन आपका असतत हो जाएगा। पहले चले एलएचएल निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर माइनस, क्योंकि एलएचएल बता रहा है, अब फलन आपका कितना हो जाएगा एफ एक्स, अब वही मान रखेंगे जो आपका जीरो से कम आएगा, क्योंकि यह एक जीरो पर माइनस दिखा रहा है कि जीरो से कम होना चाहिए, और जीरो से कम तो यही ना मान है क्या आपका साइन एक्स बटा में क्या है एक्स। तो एक ध्यान से देखिए आप लोग, जब साइन एक्स बटा में एक्स हो जाता है ना, तो यहाँ से आपका जो एक्स का जो गुणांक होता है, जो एक्स का गुणांक होता है और जो नीचे वाले एक्स का गुणांक होता है वही आपका मान हो जाता है। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर माइनस है, टोटल का मान कितना हो जाएगा एक, और जो अचर पद आता है वही मान हो जाता है किसका लिमिट का, एल एच एल का मान निकल गया। अब हम बात करते हैं किसके, आर एच एल की जब बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर प्लस, आप फलन आपका एफ एक्स हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर प्लस, और जीरो पर प्लस फलन कौन सा लेंगे वह मान जो जीरो के बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा,
तो x का मान जीरो से बड़ा है, फलन क्या लेंगे x, x प्लस वन वाला फलन लेंगे। तो यहाँ से आपका जब मान यहाँ पर रखेंगे x के जगह पर तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन, आपका आर एच एल के मान भी कितना आ गया वन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे फलन का, तो एफ आ फलन किसका x बराबर जीरो पर दिखा रहे हैं ना, तो एफ जीरो की जब बात करेंगे तो एफ जीरो के जब बराबर होगा तो कौन सा फलन, इसका मतलब कि यहाँ पर दिया है x का मान जीरो के बराबर तो कौन सा फलन x प्लस वन वाला होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस वन, तो यहाँ से x प्लस वन तो x का जगह पर जीरो तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन। यहाँ से आपका एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर आपका फलन का मान एफ जीरो तीनों क्या हो गया बराबर, अतः फलन x बराबर जीरो पर सतत है, x बराबर जीरो पर क्या है सतत है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।